गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फोटो रेजिस्ट रिमूवल टेक्निक्स। तो इसमें हम पहले प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुकी थी आपको कि नेगेटिव और फोटो रेजिस्ट के बारे में, नेगेटिव और पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट हमारे क्या होते हैं। जैसे कि इसमें मैंने ब्रीफ में दिया हुआ है सिलिकन वेफर, सिलिकन डाइऑक्साइड की लेयर और यहाँ पर हमारा लगा हुआ है फोटो रेजिस्ट। उसके ऊपर हमने मास्क रखा हुआ है जिस पर वो पैटर्न बना हुआ है जो हमें वेफर पर हमें बनाना है। तो नेगेटिव फोटो रेजिस्ट में क्या होता है, ये क्या करता है, देखो इस पूरे पोर्शन पे लाइट आएगी, हमारी पूरे पे लाइट फॉल होगी। फोटोलिथोग्राफी टेक्निक में हम क्या करते हैं, इस पर हम क्या फॉल कराते हैं, लाइट फॉल कराते हैं। तो जैसे ही लाइट ये आएगी तो नेगेटिव फोटो रेजिस्ट में क्या होता है, ये जो पोर्शन जिसके ऊपर मास्क नहीं है वो हार्ड बन जाएगा और ये वाला पोर्शन हमारा कैसा रह जाता है, सॉफ्ट रह जाता है। तो ये क्या करता है, ये पोर्शन हमारा हार्ड हो गया और ये वाला पोर्शन सॉफ्ट हो गया। तो ये जो बीच वाला पोर्शन जिसके ऊपर हमारा मास्क ढका हुआ है, इसमें ऐसा पैटर्न बन के आएगा, ये वाला पोर्शन क्या हो गया हार्ड और ये वाला पोर्शन क्या हो गया हमारा, ये भी हार्ड। बीच वाला पोर्शन जो सॉफ्ट रह गया है उस पर हम क्या करेंगे, उसे हम रिमूव करते हैं। उसे कैसे रिमूव करने हैं, उन्हीं टेक्निक्स के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो ये नेगेटिव फोटो रेजिस्ट हो गया। पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट इसका जस्ट उल्टा था, वो क्या करता था, उसमें जो ये जिस पोर्शन पे हमारी ये जिसके ऊपर मास्क आ रहा था वो वाला पोर्शन हमारा सॉफ्ट हो रहा था और बाकी ये वाला पोर्शन हार्ड हो रहा था और ये साइड वाला पोर्शन क्या हो रहा था, सॉफ्ट हो रहा था। तो इसको भी हम कुछ टेक्निक्स होती हैं फोटो रेजिस्ट रिमूवल की, जिनसे ये साइड वाला फोटो रेजिस्ट हमने निकाला है, उन्हीं टेक्निक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो नेगेटिव फोटो रेजिस्ट क्या करता है, मेक लाइट एक्सपोज्ड पार्ट लेस सॉल्यूबल, एंड पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट क्या करता है, ये लाइट एक्सपोजर पार्ट को क्या बना देता है, सॉल्यूबल बना देता है पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट। इसमें देखो इस वाले पोर्शन पर लाइट आ रही थी ना हमारी सारी, ये तो मास्क से ढका हुआ था, तो इसने इस वाले पोर्शन को क्या बना दिया, सॉल्यूबल बना दिया है। अब उस फोटो रेजिस्ट को हमें कैसे रिमूव करना है, उसी की टेक्निक्स के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला मेथड आता है केमिकल स्ट्रिपिंग का। केमिकल स्ट्रिपिंग में हम क्या करते हैं, जो ये हमारा पूरा वेफर था जिसके ऊपर फोटो रेजिस्ट की लेयर थी, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एक केमिकल के अंदर डिजॉल्व करेंगे। उस केमिकल, कई तरीके के केमिकल हम इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे कि एसीटोन हो गया, मिथाइलिन क्लोराइड हो गया और सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो मटेरियल को हम इसमें डिजॉल्व करेंगे, तो जो सॉफ्ट वाला पोर्शन था हमारा, जो पोर्शन हमारा सॉफ्ट था, ये वाला इस वाले केस में ये वाला पोर्शन सॉफ्ट था, तो ये इन मटेरियल से क्या होगा, ये जो ये केमिकल हमने यूज किए हैं ये इससे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा ये वाला पोर्शन। पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट हम यूज कर रहे हैं तो ये साइड वाला पोर्शन रिमूव होगा क्योंकि इसने इस वाले पार्ट को हार्ड बना दिया है पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट ने। सेकंड इसमें हमारी प्रोसेस आती है प्लाज्मा एसिंग की। प्लाज्मा एसिंग में क्या होता है, हम अपना पूरा जो मटेरियल है जिसमें से हमें फोटो रेजिस्ट को हटाना है उसको हम लो प्रेशर प्लाज्मा के एक्सपोजर में लाएंगे और उसके बाद वो प्लाज्मा क्या करेगा, उसमें से जो फोटो रेजिस्ट है उसको ब्रेक डाउन कर देगा और उसको गैस में कन्वर्ट कर देगा। तो गैस वहाँ से हमारी निकल जाएगी और बचेगा हमारा क्या, जो पैटर्न हमें चाहिए। तो जो हमारा अनवांटेड फोटो रेजिस्ट था वो हमारा सारा क्या है, निकल जाएगा। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में इसका यूज होता है। थर्ड पॉइंट हम इसमें देखेंगे, थर्ड मेथड क्या है, मैकेनिकल स्ट्रिपिंग का। मैकेनिकल जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, इसमें क्या होगा, हम फिजिकली रिमूव करते हैं फोटो रेजिस्ट को। फिजिकली कैसे रिमूव कर सकते हैं, जैसे स्क्रबिंग हो गया या फिर हम हाई प्रेशर पे हम क्या करेंगे, पानी की बौछार लगाएंगे, पानी को जेट से हाई प्रेशर पे उस पर डालेंगे जिससे कि जो अनवांटेड फोटो रेजिस्ट है वो हमारा सारा निकल जाएगा। तो ये हमारा ये वाला मेथड हम कब यूज़ करते हैं, जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना हो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स का, तब हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रिपिंग मेथड को यूज करते हैं। फोर्थ इसमें आता है हमारा थर्मल स्ट्रिपिंग। थर्मल स्ट्रिपिंग में क्या होता है, इसमें जो मटेरियल है उसको हम क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पे हम अपने मटेरियल को रखेंगे तो उससे क्या होगा, जो फोटो रेजिस्ट है वो हमारा क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो वेपराइज हो जाएगा। तो ये चार टेक्निक्स थी हमारी, इसमें सबसे पहली थी केमिकल स्ट्रिपिंग, प्लाज्मा एसिंग, मैकेनिकल स्ट्रिपिंग एंड फोर्थ थी हमारी थर्मल स्ट्रिपिंग। इसमें जो सबसे पहली प्रोसेस है केमिकल स्ट्रिपिंग, वो हमारी मोस्टली हम यूज करते हैं नैनो फैब्रिकेशन के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके सॉल्वेंट्स भी आपको पता होने चाहिए, एसीटोन, मिथाइलिन क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। थैंक यू।